एंडोमेट्रियोसिस आज के दिन में बहुत ही कॉमन हो गया है, और यहाँ तक कि जितनी औरतें हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, 15 से 50 साल की औरतें समझ लीजिए, उनमें 10% लोगों में ये पाया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अलका सिन्हा, अ डायरेक्टर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड हेड ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यूनिट 2 एट BLK मैक्स हॉस्पिटल, और मैं आपको आज एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कुछ बताऊंगी। सो एंडोमेट्रियोसिस क्या है? अगर आसान शब्दों में समझें तो यूट्रस की, बच्चेदानी की जो अंदर की लेयर होती है, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स अगर यूट्रस के बाहर डिपॉजिट हो जाएं, फैल जाएं, तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ज़्यादातर ये ओवरीज को अफेक्ट करता है या आसपास के एरियाज़ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें पेशेंट को पीरियड्स के दौरान बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, पेट में नीचे दर्द रह सकता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी पेन हो सकता है, जिसको डिस्पेरियूनिया कहते हैं। कुछ केसेस में यूरिन पास करते वक्त या मोशन पास करते वक्त दर्द हो सकता है। आप, जैसा कि मैंने कहा, ये एंडोमेट्रियोसिस के केसेस धीरे धीरे बहुत बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो, समय से इसका इलाज कराने से अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ट्रीटमेंट मेनली मेडिकल होता है, जिसमें हम खाने की मेडिसिंस दे सकते हैं, कई बार इंजेक्शंस भी देते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के मेडिसिंस होते हैं जिसकी वजह से पेन में रिलीफ होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, और जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है उनको प्रेगनेंसी करने में भी हेल्प होता है। लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है। जैसे मान लें एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरी में बहुत बड़े बड़े सिस्ट हो गए और जिनका साइज बढ़ता जा रहा है। पेन ऐसा है कि जो दवा के द्वारा रिलीव नहीं हो रहा है, पहले से और ज़्यादा ही हो रहा है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब एक जो हर दिन का आपका लाइफ है, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें बाधा कर रहा है ना? तो उन केसेस में, प्लस जो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे, इन केसेस में हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसकी सर्जरी आजकल बहुत अच्छे से दूरबीन विधि द्वारा या रोबोट के द्वारा आराम से हो जाता है। और इसमें हम, ऐसा नहीं है कि ओवरी को निकालते हैं या यूट्रस को निकालते हैं, हम कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, ओवरी को बचाते हुए सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस के एरियाज रिमूव करते हैं, ताकि आप आगे का लाइफ बिना पेन के या कम पेन के साथ, रिलीवेबल पेन के साथ व्यतीत कर सकें, और जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी की चाह होती है वो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कुछ आप एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में चाहते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।